नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरद। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। भारतीय दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अफगान क्रिकेटर राशिद खान को इनाम के तौर पर 10 करोड़ रुपए देने वाले हैं। ये खबर पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर काफी चल रही है, मगर अब अपने ट्वीट पोस्ट के जरिए रतन टाटा ने साफ कर दिया है कि ये खबर पूरी तरह से फेक है। जी हां, उन्होंने राशिद को 10 करोड़ देने वाली खबर को झूठा करार दिया है और ये भी कहा है कि व्हाट्सएप पर आने वाले फॉरवर्ड मैसेज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फ्रांस में वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे खजाना मिला है, इसे व्हाइट हाइड्रोजन कहा गया है। पूर्व फ्रांस में मिले इस खजाने को कीमती बताया जा रहा है, क्योंकि यह ऐसा हाइड्रोजन है जो प्राकृतिक तौर पर मिलता है, इसे लैब में नहीं तैयार किया जा सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि व्हाइट हाइड्रोजन दुनिया में तेजी से बढ़ रहे जलवायु संकट को कम कर सकता है। जमीन के नीचे मिले इस व्हाइट हाइड्रोजन को फ्रांस के नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिक जैक्स पिरोनोन और फिलिप डी डोनाटो ने खोजा है। उन्होंने इस बारे में कई दिलचस्प बातें साझा की हैं। सुरक्षा कवच अब और मजबूत होने जा रहा है। इसके लिए भारत एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है जो दुश्मनों के हर हमले को नाकाम कर देगा। चीन हो या पाकिस्तान, कोई भी इसे भेद नहीं पाएगा। खास बात यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल के एरन डोम से बहुत बेहतर होगा। यह अमेरिकी के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और रूस के S-400 को भी टक्कर देगा। भारत अभी तक अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस के S-400 पर निर्भर है, लेकिन अब भारत ने अपना खुद का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की योजना बना ली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिनोलेक्स केबल्स मामले में NCLT पीठ के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कहा कि न्यायिक सदस्य राकेश कुमार और तकनीकी सदस्य आलोक श्रीवास्तव की सदस्यता वाली राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण की पीठ ने फिनोलेक्स केबल्स मामले में अपना फैसला सुनाकर उसके 13 अक्टूबर के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की। CJI चंद्रचूड़ ने इस मामले का CCTV फुटेज देखा और इसके बाद कहा कि बेंच ने जानबूझकर हमारा आदेश नहीं माना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं व 12वीं परीक्षा के लिए सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ब्रेकअप 30 अक्टूबर को जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी 2023 और थ्योरी परीक्षा 15 फरवरी 2024 से आयोजित की जाएगी। अगर आप इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से CBSE 10वीं व 12वीं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ब्रेकअप चेक कर सकते हैं। अलग अलग स्मार्टफोन ऐप्स ही इस मोबाइल डिवाइस को स्मार्ट बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐप्स खतरनाक भी हो सकते हैं। लोकप्रिय विंडोज यूटिलिटी टूल CC क्लीनर का इस्तेमाल ऐप के तौर पर मोबाइल डिवाइसेस में भी किया जा सकता है, लेकिन अब इसका डाटा लीक होने की जानकारी सामने आई है। यह ऐप बनाने वाली कंपनी जेन डिजिटल ने ईमेल भेजकर अपने यूजर्स का डाटा लीक की जानकारी दी है। जेन डिजिटल ने बताया कि हैकर्स ने हजारों ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले फाइल ट्रांसफर टूल MOV-EAT में मौजूद एक खामी का इस्तेमाल किया और यूजर्स का डाटा चोरी कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का पालन नहीं करने के मामले में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की एक बेंच के सदस्यों को माफी दे दी है। वहीं सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश का पालन नहीं करने पर फिनोलेक्स केबल्स के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक छाबड़िया पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। वार्षिक काम बैठक की जांच करने वाले पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम ने दोनों को 2 हफ्ते के अंदर ये राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया है। गूगल की मालिकाना कंपनी अल्फाबेट इंक के CEO सुंदर पिचाई ने सर्च इंजन एकाधिकार मामले में सोमवार को अमेरिकी अदालत में गवाही दी। दावा किया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर में सुधार नहीं ला रही थी, लेकिन गूगल ने क्रोम में रोचक बदलाव किए जिसे लोगों ने पसंद किया। इसी से गूगल का एकाधिकार स्थापित हुआ। इसे बड़े स्तर के प्रतिस्पर्धा रोधी मामले में गूगल के खिलाफ अमेरिकी सरकार और 38 राज्य लड़ रहे हैं। आरोप है कि गूगल ने सभी प्रमुख स्मार्टफोन में इंटरनेट ब्राउजर के तौर पर अपना सर्च इंजन उपयोग करवाने के लिए फोन बनाने वाली कंपनियों को हजारों करोड़ सरकारी स्कूलों में सोमवार से 11वीं कक्षा की मासिक और 12वीं की सेंटअप परीक्षा शुरू हो गई। कुछ स्कूलों में विज्ञान विषय के पैकेट में राजनीति शास्त्र का प्रश्न पत्र निकला, वहीं 12वीं सेंटअप परीक्षा में गलत कोडिंग के कारण दूसरे विद्यालय के प्रश्न आर उत्तर पुस्तिका पहुंच जा रही है। यह शिकायत सोमवार को अधिकांश स्कूलों ने की है। इस कारण स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या की तुलना में प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका कम पड़ जा रही है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जुड़ी बड़ी खबरें सामने आई है। पवन सिंह ने आरा से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। फिलहाल तो पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कोई दावा नहीं किया, लेकिन जब उनसे भोजपुर से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आगे बढ़ने की इच्छा किसे नहीं होती है, कौन नहीं चाहता कि आगे बढ़े। इसी के साथ भोजपुरी सुपरस्टार ने कहा कि मैंने कमर कस लिया है और अब बस आदेश का इंतजार है, जो पार्टी कहेगा वो मैं करूँगा। अलग राज्य सरकारें दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पात्र लोग सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाते। यहां हम बात कर रहे हैं दिव्यांग पेंशन योजना की, जिसके तहत सरकार पात्र दिव्यांगों को 1,000 रुपए आर्थिक मदद देती है। इसके लिए पात्र आवेदकों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स करना होता है। आपको बता दें कि पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगता को प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है, उसी के आधार पर आपको प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिलता है। दरअसल दिव्यांग पेंशन स्कीम पिछले 3 सालों से चल रही है।
अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 में उलटफेर कर रही इंग्लैंड पाकिस्तान को हराने के बाद अफगानिस्तान ने अपूर्व वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को हरा दिया। पुणे में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने बड़ी आसानी से 242 रन के टारगेट को हासिल किया। इस जीत पर न सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाड़ी जमकर झूमे बल्कि इरफान पठान एक बार फिर झूमे और इस बार स्टूडियो में पठान ने रंग जमाया और उन्हें इस बार हरभजन सिंह का साथ मिला। हरभजन और पठान के डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 5 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ये सहकारी बैंक है उमा सहकारी बैंक लिमिटेड, पीच पीपुल्स सहकारी बैंक लिमिटेड, मिजोरम सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड, सहकारी बीरभूम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड और सिहोरी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। इन सभी बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं, हालांकि इसको ग्राहक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सफारी के रेट 3 गुना तक बढ़ा दिए गए हैं। सैर महंगी होने का सीधा असर पर्यटन पर पड़ा और यहां सैलानियों की संख्या एकदम कम हो गई। कॉर्बेट पार्क की सफारी से आमजन दूर हो गए हैं। अब इस पर बहस छिड़ी हुई है, जबकि विभाग कह रहा है कि बढ़ती महंगाई के साथ हर साल सफारी के रेट बदले जाते हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने इस साल अपने सभी इको टूरिज्म क्षेत्रों में सफारी और नाइट स्टे की दरों में बढ़ोतरी की है। इसका सबसे ज्यादा असर जिम कॉर्बेट पर पड़ा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन जो रिटेल मार्केट में खाने पीने की चीजों की कीमतों पर निगरानी रखता है, इसके मुताबिक 29 अक्टूबर 2023 को अरहर दाल 154.83 रुपए प्रति किलो में मिल रहा था, जो एक महीने पहले 148.5 रुपए प्रति किलो और एक साल पहले 112.2 रुपए प्रति किलो में मिल रहा था। यानी अरहर दाल एक साल में 38% तक महंगा हुआ है। एक साल पहले उड़द दाल 108.55 रुपए में मिल रहा था, जो अब 119.51 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। यानी उड़द दाल एक साल में 10% से ज्यादा महंगा हुआ। मूंग दाल एक साल पहले 103.51 रुपए प्रति किलो में मिल रहा था, जो अब 115.58 रुपए में मिल रहा है। कोई ऑनलाइन नौकरी का ऑफर देकर यूजर्स को लूट रहा तो कोई लिंक पर क्लिक कराकर खाते साफ कर रहा। आम आदमी इन सब से बचने की जुगत लगा रही है कि मार्केट में एकदम नया स्कैम आ गया तो यूजर के कुछ समझ पाने से पहले ही अकाउंट खाली कर देता है। दिल्ली की एक महिला वकील के साथ ऐसी घटना हो चुकी है और उसने पलक झपकते ही अपने लाखों रुपए गंवा दिए। संयुक्त राष्ट्र बाल सहायता एजेंसी यूनिसेफ ने कहा कि गाजा में आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण लोग अपने बच्चों को खारा पानी देने के लिए मजबूर है। बीबीसी ने यूनिसेफ के प्रवक्ता टोबी फ्रिकर के हवाले से कहा कि गाजा जिस कमी का सामना कर रहा था उसे दूसरे स्तर पर बढ़ा दिया गया है। सहायता आपूर्ति के बारे में बात करते हुए फ्रिकर ने कहा कि सहायता आपूर्ति आ रही है लेकिन वो काफी कम है। यूनिसेफ ने तत्काल मानवीय युद्ध विराम और गाजा को सहायता आपूर्ति बढ़ाने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि रविवार को 30 से अधिक सहायता ट्रक गाजा में दाखिल हुए, जो समिति आपूर्ति के अनुमति के बाद क्षेत्र में सबसे बड़ा मानवीय सहायता काफिला है। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि हाल के कुछ खबरों में एक खुलासों ने अडानी समूह और उसके विश्वसनीय लोगों के बीच के घनिष्ठ संबंधों के उस गुप्त नेटवर्क को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया, जो भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड के कानूनों का खुलेआम उल्लंघन करता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इस मामले की सच्चाई संयुक्त संसदीय समिति की जांच से ही सामने आ सकती है। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के खिलाफ अनियमितताओं और स्टॉक मूल्य में हेरफेर करने का आरोप लगाए जाने के बाद से कांग्रेस इस कारोबारी समूह पर निरंतर निशाना साध रही है। मरीजों को घर बैठे अब अपने आसपास की सरकारी व निजी प्रयोगशाला की जानकारी निशुल्क मिल सकेगी। देश भर की जांच प्रयोगशालाओं को जियो मैपिंग का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सहित 6 राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इनमें टेक्नोलॉजी में इसमें लेकर क्लिनिकल केमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर जांच प्रयोगशाला भी शामिल है। मरीजों को समय पर इलाज शुरू हो सके इसकी पहल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय पैथोलॉजी संस्थान ने एक टास्क फोर्स का गठन करने के साथ ही वेबसाइट www.icmrdisha.in भी बनाई है। पश्चिम बंगाल के सिंगू रंगू जमीन विवाद में टाटा को बड़ी जीत मिली है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स इस विवाद में 766 करोड़ रुपए वसूलने की हकदार है। बता दें कि सिंगू रंगू में टाटा मोटर्स के नैनो प्लांट को ममता बनर्जी से पहले की वामपंथी सरकार ने अनुमति दी थी। इसके तहत बंगाल की जमीन पर लख टकिया कार नैनो के उत्पादन के लिए कारखाना स्थापित किया जाना था। तब ममता बनर्जी विपक्ष में थी और वामपंथी सरकार की नीतियों के खिलाफ थी। विपक्ष में रहते हुए ममता बनर्जी इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही थी। ममता बनर्जी ने सत्ता में आते ही कानून बनाकर सिंगू रंगू की करीब 1000 एकड़ जमीन 13,000 किसानों को लौटाने का फैसला किया, जिनसे अधिग्रहण किया गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत विरोधी अभियान फेल हो गया है। उनकी शह पर उधम मचा रहे खालिस्तान समर्थकों का जनपद संग्रह फ्लॉप साबित हो गया है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया के 15 गुरुद्वारों में दूसरी बार बुलाए गए जनमत संग्रह में 2000 लोग भी इकट्ठा न हो सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुश्किल से 1500 लोग ही अलग खालिस्तान के समर्थक में वोट कर पाए। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए 2 नवम्बर को पेश होने को कहा है।
केरल के कोची जिले के काला मासेरी में एक ईसाई प्रार्थना सभा में हुए विस्फोट में मरने वाले की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। मलयाला मनोरमा ने बताया कि 12 वर्षीय एक लड़की ने आज को जलने के कारण दम तोड़ दिया। बीते 29 अक्टूबर को काला मासरी के जमड़ा कन्वेंशन सेंटर में ईसाई संप्रदाय जेहोवा विटनेसेस की प्रार्थना सभा के दौरान हुए आईईडी विस्फोटों में करीब 40 लोग घायल हो गए थे, साथ ही एक महिला की मौत हो गई थी। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि नागरिकों को चुनावी बॉन्ड फंड के स्रोतों का जानने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार एजी चुनावी बॉन्ड की अपारदर्शी प्रकृति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने विचार से रहे थे। ज्ञात हो कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ 31 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाले 25 साल भारत के लिए शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल हैं। इन 25 वर्षों में हमें समृद्ध बनना है, विकसित बनना है। पीएम मोदी ने कहा, देश की एकता और विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट तुष्टिकरण की राजनीति है। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टिकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, विकरालता कभी दिखाई नहीं देती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए उनकी प्रतिबद्धता आज भी सभी का मार्गदर्शन करती है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सरदार पटेल की जयंती पर हम उनकी अदम्य भावना, दूरदर्शी नेतृत्व और असाधारण समर्पण को याद करते हैं, जिससे उन्होंने हमारे राष्ट्र के भाग्य को आकार दिया। राष्ट्रीय एकता के लिए उनकी प्रतिबद्धता आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें हमेशा उनकी ऋणी रहेंगे। वीजा के अवैध कारोबार से जुड़े संदिग्ध एजेंट भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के विद्यार्थियों और कामगारों से वीजा के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। एक ब्रिटिश मीडिया की जांच में पाया गया है कि दक्षिण एशिया में संदिग्ध एजेंट वीजा अपॉइंटमेंट कारोबार का अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं और इसे सेवा के बदले मोटी कमाई कर रहे हैं, जबकि यह सेवा मुफ्त में मिलनी चाहिए। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, विकास कुमार ठाकुर, मोहम्मद सकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद फहीम, अनवर करीम खान, नौशद अंसारी, गुड़िया कुमारी मौर्य, बाबूलाल मरांडी, अनिश राज, दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अब तक भारत देश में बने प्रधानमंत्री में आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।